गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और आज है वैलेंटाइंस डे, सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरी वन ऑफ यू। आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैं मेरा एयरपोर्ट एंट्री पास लेने गई थी और तभी मेरा एक डॉक्यूमेंट जो NOC है मेरा वो मैं भूल गई थी, तो आज मुझे वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि कल मेरा US बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट है और उसके लिए वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो मेरा आज भी ट्रैवलिंग होगी और कल भी ट्रैवलिंग होगी। मैं अभी से इतना थकान महसूस कर रही हूँ कि कितना सारा है। एनी विच वेज, फिर ये जेफरी स्टार का है इन द शेड लियो, ये ब्राउन शेड है तो ये थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है। बहुत फटाफट मेकअप कर रही हूँ मैं और अब मैं लगाऊंगी नायका का शेड मधु। हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल रेडी और अभी मास्क लगा लूंगी और निकलते हैं। फिर थोड़े थोड़े क्लिप्स डाल दूंगी मैं ऑफिस के, वहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकती और थोड़ा अनप्रोफेशनल लग जाता है। एंड लेट्स सी उसके बाद आगे हम क्या करते हैं और मेरा पूरा वैलेंटाइंस कैसे जाता है। जो इयररिंग्स है वो हम बेसिक ही पहनते हैं ऑफिस में भी और फ्लाइट पे भी, तो हमेशा मैं यही पहने रहती हूँ जस्ट इन केस कहीं जाना होता है तो वो जो शंकी इयररिंग्स होते हैं जो मैंने लिए थे वो पहन लेती हूँ। और आज बाल आपको ऐसे लग रहा होगा इतना चंपू के हुआ है तो बिकॉज मैं वहाँ पे ऐसे हेयर स्टाइल करके नहीं जा सकती, हमें ऐसे स्लीक पोनी या बन बना के जाना होता है और बन बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है तो मैंने बस ऐसे स्लीक पोनी बांध दी है। तो ये रहा मेरा आज का आउटफिट और प्लीज़ पीछे वाले जो मैस है, एक्चुअली वो मैस नहीं है, वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी है बस ऑर्डर में नहीं रखी हुई है जो कि मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, वो सब देख के ऐसा लग रहा है वो ठीक करके जाऊँ बट उतना टाइम नहीं है, बट कोई बात नहीं। और बस आपको मुझे आउटफिट दिखाना था, लेट्स सी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है जब भी बाहर लॉक करके चली जाती हूँ कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, आईडी कार्ड भूल गई थी। आज मैंने उबर टैक्सी मंगाई हुई है क्योंकि मैं बाइक से जाती हूँ तो मेरा पूरा बाल बाल ख़राब हो जाता है और धूप की वजह से मेकअप भी बेहाल हो जाता है और मुझे सिंस मुझे ऑफिस जाना है इसीलिए मैंने टैक्सी बुलाई है और आते टाइम मैं बाइक पे आ जाऊँगी। तो मैं कैब में बैठी और आईडी मैंने पहन लिया था क्योंकि एनी विच वेज मुझे बाद में एंट्रेंस पे आईडी दिखाना ही होता है। और ये एयरपोर्ट के पास वाला एरिया, ये काफ़ी साफ़ होता है, मुझे बहुत पसंद है। हम ऑलमोस्ट मेरे ऑफिस पहुँचने ही वाले हैं और भैया काफ़ी लव सॉन्ग्स लगा रहे थे। और ये मैं पहुंच चुकी थी अपने ऑफिस, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसका भी सराउंडिंग, ATC है सामने और सब कुछ यहाँ पे बहुत प्यारा है। फिर मेरा और खुशबू का दोनों का डॉक्यूमेंट लेके मैं वहाँ से निकल गई और अब जा रही हूँ PG। तो अभी जस्ट मैं घर पर आई हूँ और मुझे आते टाइम भी कैब करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास दो फॉर्म्स थे, खुशबू का भी कोई डॉक्यूमेंट था जो मुझे पिकअप करना था और कुछ फाइल और फोल्डर लेके नहीं गई थी तो वो बाइक पे आते वक्त फट सकता था, उड़ सकता था या फिर मैं फोल्ड उसको कर नहीं सकती थी, इसीलिए मुझे वापस आते टाइम भी कैब से आना पड़ा। और अभी फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि कुछ ऑर्डर ही कर लें क्योंकि वैलेंटाइंस डे भी है और लंच हमें यहाँ मिलता नहीं है, तो मैं खुशबू के रूम में जाऊँगी और खा पी के उसके बाद आके मेकअप उतार लूँगी और उसका डॉक्यूमेंट भी उसको देकर आते हैं। आते ही सबसे पहले मैंने बाल खोला, पता नहीं यहाँ पे जल्दी बाल मेरे ग्रीसी व्रीसी हो रहे हैं, मतलब दो दिन में मुझे, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ दिन में बाल धोना पड़ेगा, ऐसा सिनेरियो है यहाँ का। चलो अब उसके कमरे में जाते हैं। मैं खुशबू के रूम में आ गई हूँ, मैंने अपने लिए सोया चाप बिरयानी ऑर्डर की हुई है और ये अभी तक डिसाइड ही कर रही है बेचारी, आज भी बेहाल है क्योंकि इसका काम काफ़ी कुछ पेंडिंग हुआ है और आज रात में इसकी फ्लाइट भी लगी हुई है। खुशबू बेचारी कुछ तो बोल, बोलने के हालत में ही नहीं हो, देख लो ऑर्डर कर रही हूँ, ये इसका वेट कर रही थी कब से लेकिन ये खुद आके ऑर्डर कर ली और मुझे फंसा, क्योंकि मुझे वेज खाना था और इसको नॉन वेज, बट मैंने इसको स्टार्टिंग में बोला कि चल ठीक है नॉन वेज खा लेंगे, फिर मैंने याद आया मुझे कि आज है ट्यूसडे और जब मैं कंट्रोल कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँ, है ना, तो मैंने वेज मंगा लिया है और ये अभी तक ऑर्डर ही कर रही है। मिला कोई
अभी देखना यहाँ पे 169 दिख रहा है, बट एंड वाला 200 समथिंग हो जाता है। बहुत स्कैम है ऑनलाइन खानों का ना, स्कैम होता है। खाना 150-140 का होता है, फिर पता नहीं क्या टैक्स वैक्स लगाकर और डिलीवरी चार्जेस लगाकर 250-280 हो जाता है। मेरा सोया चाप बिरयानी आ गया है और ये खुशबू का एग बिरयानी और दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड हाउस ऑफ बिरयानी। तो खाना खा के मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में और फटाफट ही मेकअप निकालेंगे, बहुत उलझन हो रही है, और फ्रेश होते हैं और देखते हैं यार क्या प्लान। एक्चुअली ना मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास स्ट्रॉबेरीज रखी है और मेरे पास नटेला है, तो मैं उसका कुछ बनाऊँ क्योंकि सिंस इट्स वैलेंटाइंस और मेरा वैलेंटाइन यहाँ पे नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ बनाती हूँ, और खुशबू का मूड भी आज थोड़ा ठीक नहीं है, बेचारी बहुत परेशान है, तो देखते हैं मैं उसका कुछ बना के। अभी जस्ट मैं उठी और मैंने नैप लिया था 15-20 मिनट का, हाँ बस इतना छोटा सा नैप लिया, बस लेटी हुई थी, और अब मैं जा रही हूँ वो ट्राई करने की। वो एक्चुअली उसको ना थोड़ा फ्रीज करके बनाया जाता है, बट सिंस मेरे पास यहाँ पे फ्रिज नहीं है और नीचे वाला फ्रिज जो होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं बट हमेशा फुल होता है तो कोई मतलब नहीं है, तो हम जस्ट ऐसे ही बना लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। बहुत ही ईजी है, आप कोई भी बना सकता है। गर्म पानी लेके मैंने इसको डिप किया है, मैं कुछ सेकेंड्स तक इसको ऐसे ही रहने दूंगी, और जितना भी देखिए साइड साइड में आपको दिख रहा होगा ये ऊपर आ रहा है जो भी इसके अंदर डर्ट होगा, और उसके बाद हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। तो अब हम इसे टिश्यूज से ड्राई कर लेंगे, और वो हमें ऐसे चॉकलेट में डिप करके लगा देना है या फिर आप डायरेक्ट ऐसे रख के और इस पर स्पून से लेके ऐसे ऐसे ड्रेसिंग कर सकते हैं। मेरे पास अभी स्पून नहीं है तो इसीलिए मैं सिर्फ डिप कर रही हूँ और इसमें रख रही हूँ। अभी इसको मैंने चॉकलेट में आधा डिप किया हुआ है, और एक्चुअली इस प्रोसेस में आप ऐसे कर सकते हैं, मैं तो अभी डायरेक्ट ही खाने वाली हूँ, बट आप डिप करके इसको रेफ्रिजरेट कर दो, फिर चॉकलेट थोड़ा टफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तब ज़्यादा अच्छा लगता है ये ठंडा ठंडा। और इसको आप एज अ फ्रूट सैलड ड्रेसिंग या फिर वनीला आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं, चॉप करके और चॉकलेट सिरप के साथ। जब ट्रीट रेडी कर ली है तो इसको अकेले तो नहीं खाना चाहिए ना, काफ़ी सेल्फिश हो जाएगा, तो हम जाते हैं इसको लेके खुशबू के रूम में और इसको पूछते हैं कि इसको कैसा लगा। आधा ही नहीं है, ऊपर बाल खोल रहे जल्दी। खा के दे। ओह माय गॉड, क्या ये स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। अच्छा है समझी ना, वो चॉकलेट नटेला है, ठीक है, ऐसी कोई फर्जी चॉकलेट नहीं डाला है मैंने। तूने ये बनाई ड्रिंक है? हाँ, तो बिना गैस के और क्या बनता है। And I'm thinking, कुछ नहीं। अच्छा तुझे लगा मैंने कुछ गैस का सब बनाया गैस पे, लाइक चल अच्छा है। नहीं नहीं, मैंने बस ऐसे ही बना दिया रखा था। पोपट हो गया है, मैंने इसके सामने इतनी तारीफ कर दी कि इसको लगा कि मैं लिटरली कुछ गैस पर बना के इसके लिए ला रही हूँ, और ये इसने ये देखा बोलती ये बना के लाई है तो मेरे लिए बताओ। टेस्ट करने जा रही है जो उसने गिरा भी दिए है। Cheers, happy Valentine's and thank you Twinkle, मेरे लिए special Valentine gift या recipe क्रो वाली voice में इतना क्यों बोल रही है। Nice. अच्छा है, पक्का अच्छा है कि ऐसी उसमें ने मस्त है, मस्त है, मजा आ गया। लेकिन जहाँ तक निकला था वही तक अच्छा, वो अच्छा लगा, उसके बाद टेस्ट खराब हो गया। आइए आइए मैडम, हैप्पी वैलेंटाइन्स है। गाइस जहाँ तक नटेला था सिर्फ वहीं पर, वहीं तक अच्छा बना है, तो हम खाएंगे, वेस्ट तो कर नहीं सकते, आधा आधा भी नहीं खा सकते, तो खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। क्योंकि अभी व्यूज थोड़े बदल गए हैं। खुशबू अब कैसा, स्ट्रॉबेरी कहाँ है? अभी और स्ट्रॉबेरी खाना है बिकॉज फैन ऑफ नटेला। तो दांत में लग गए। लगने दे यार, इसका ही मजा है। दांत में लग गए खुशबू, बहुत वियर्ड लग रहा है वो। ठीक है, तो गाइज ये लास्ट पीस ऑफ स्ट्रॉबेरी बचा है और इसका टेस्ट एक्चुअली अच्छा था। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा वियर्ड लग रहा था लेकिन बाद में अच्छा लगने लगा। नटेला पार्ट काफ़ी स्वीट था और उसके बाद वाला पार्ट थोड़ा सार था तो अच्छा लग रहा था।
तो यहाँ पे करती हूँ मैं अपने वैलेंटाइंस डे का व्लॉग एंड. तब तक आप जाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बस यार सब्सक्राइब ही कर दो.